गाइस Xiaomi इंडिया में यार काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए MIUI 14, Android 13, MIUI 14 के साथ जो है वो यहाँ पर Android 12 के भी अपडेट्स मिल रहे हैं और यहाँ पर Android 14 के भी अपडेट्स Xiaomi के लिए रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिए और यहाँ पर बहुत सारे डिवाइस ऐसे हैं जिनको MIUI 15 वाई मिलने वाला है और यहाँ पर क्वार्टर 3 के जो फाइनल अपडेट हैं वो भी यहाँ पर रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले डिवाइस की बात करूँ तो भाई अगर आप Redmi Note 12 5G यूज़ करते हो इंडिया में तो भाई MIUI 14 का जो नया अपडेट है वो इस डिवाइस को यहाँ पर देखने को मिल गया। इस अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हो 14.0.3.0 है जो कि 314 MB का जो है इंडिया में कल की डेट में रिलीज़ किया गया है। कुछ यूज़र्स को आज भी देखने को मिला है और इस अपडेट में आपको August 23 का जो सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। काफ़ी सही अपडेट है ये, जो अपडेट है वो टेस्टर्स के लिए देखने को मिला है और काफ़ी जल्द इसका जो पब्लिक रोल आउट है वो सारे यूज़र्स को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और गैस यहाँ पर अगर आप Redmi A2 और A2 Plus यूज़ करते हो यानी कि Poco C51 इंडिया में तो भाई 14.0.8.0 का एक नया अपडेट जो है वो Android Go के साथ जो है वो रिलीज़ किया गया है जो कि Android 13 बेस्ड है और ये जो अपडेट है वो सिक्योरिटी पैच टाइप अपडेट मिलता है क्योंकि ऑलरेडी इस डिवाइस को काफ़ी सारे MIUI 14 के जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिल चुके हैं। तो अगर आप ये डिवाइस यूज़ करते हो इंडिया में, नया अपडेट आ गया है, डाउनलोड कर सकते हो। और गैस अगर आप Redmi Note 10 Pro या फिर Redmi Note 10 Pro Max यूज़ करते हो तो भाई इंडिया में काफ़ी जल्द MIUI 14 का एक नया अपडेट आने वाला है क्योंकि भाई ग्लोबल में भी अपडेट आ गया है, टर्की में भी अपडेट आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे EA में भी और इंडोनेशिया में एक नया अपडेट जो है वो Redmi Note 10 Pro और Max को देखने को मिला है। अभी जो बारी है वो इंडिया की है, इंडिया में भी मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो नया अपडेट आया है वो 14.0.4.0 जो कि 1.9 GB का है, काफ़ी बड़ा साइज़ मिल जाता है और इस अपडेट में आपको June 23 का जो सिक्योरिटी पैच है वो मिला जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अगस्त के अंदर काफी सारे जो अपडेट हैं वो अगस्त के सिक्योरिटी पैच के साथ आ रहे हैं लेकिन इसमें जून का सिक्योरिटी पैच आपको मिलता है। हालांकि यहां पर एक अपडेट आ गया है, इंडिया में भी काफी जल्द MIUI 14 का एक नया अपडेट आपके Redmi Note 10 Pro और Max में देखने को मिलने वाला है। और गैस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट जो वो Xiaomi 12T Pro के लिए MIUI 14 का एक नया अपडेट जो है वो EA में रिलीज़ कर दिया गया है। इस अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई काफ़ी सही अपडेट है, 14.0.16.0 है जो कि भाई यहाँ पर रिलीज़ किया गया है और उसके साथ ही इसमें सिक्योरिटी पैच की अगर मैं बात करूँ तो भाई July 23 का जो सिक्योरिटी पैच है वो इस अपडेट में आपको देखने को मिल जाता है और इस डिवाइस के लिए काफ़ी सारे और भी नए अपडेट जो वो कंटिन्यू यहाँ पर रोल आउट किए जा रहे हैं। तो अगर आप Xiaomi 12T Pro यूज़ करते हो तो नया अपडेट आ गया है, डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर Xiaomi 13 सीरीज़ के लिए Android 14 के जो स्टेबल अपडेट हैं उनका रोल आउट स्टार्ट कर दिया है। कुछ लकी यूज़र्स को यहाँ पर Android 14 का जो स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप Xiaomi 13 और Xiaomi 13 Pro यूज़ करते हो तो भाई स्टेबल अपडेट जो है वो MIUI 14 के साथ Android 14 का जो है वो रोल आउट करना Xiaomi ने स्टार्ट कर दिया है। अभी आप देख सकते हो ये अपडेट काफ़ी माइनर भी हैं और कुछ बड़े बड़े साइज़ के साथ भी यहाँ पर देखने को मिले हैं जिसमें यहाँ पर 6 GB से ज़्यादा भी साइज़ यहाँ पर देखने को मिला है। अभी मैं बात कि भाई इंडिया में कब तक आएंगे तो इंडिया में भी काफी जल्द इसका रोल आउट जो यहां पर टेस्टर्स के लिए होने वाला है। और गैस यहाँ पर अगर आप पोको F5 यूज़ करते हो भाई इंडिया में तो 14.0.5.0 का एक नया अपडेट August 23 के सिक्योरिटी पैच के साथ यहाँ पर देखने को मिला है। ये जो अपडेट है वो स्टेबल है, सारे यूजर्स के लिए रिलीज़ किया गया है। तो अगर आप पोको F5 यूज़ करते हो तो डाउनलोड इसको कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप Xiaomi 13 Ultra या फिर Xiaomi 13 Pro Ultra यूज़ करते हो तो 14.0.4.0 का एक नया अपडेट August 23 के सिक्योरिटी पैच के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको भी आप इजीली यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और गैस यहाँ पर MIUI 14 और MIUI 15 के जो यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप के अपडेट्स हैं वो देखने को मिले। ये जो अपडेट है वो MIUI 15 का है और इसमें इसका जो सिस्टम UI है उसको बिल्कुल ही यहाँ पर डिफरेंस कर दिया। अभी आप देखोगे ओल्ड वाला सेक्शन जो है वो इस तरीके के है और नया वाला सेक्शन आपको इस तरीके से मिलता है जिसमें काफ़ी सारे जो नए फीचर्स हैं वो देखने को कैटेगरी वाइज मिलते हैं। जो नया डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है जिसमें कॉमन फीचर्स भी मिलते हैं। हालांकि ये टेस्टिंग में चल रहा है, अभी सारे ही डिवाइस में सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ डिवाइस में ये वर्क कर रहा है कुछ में नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करके देखना चाहते हो अपने डिवाइस में तो भाई इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेटेस्ट सिक्योरिटी ऐप का, वो आप डाउनलोड करके ये सारे जो नए फीचर्स हैं, बहुत सारे नए फीचर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, ये सारे ही आप अपने डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और गैस यहाँ पर आप देखोगे पोको M5S है, 14.0.4.0 का एक नया अपडेट जो है वो ग्लोबल में देखने को मिला है। और अगर आप Redmi Note 11 Pro Plus 5G मॉडल या फिर 4G मॉडल यूज़ करते हो तो दोनों ही डिवाइसेज में अपडेट आए हैं। अभी आप देखोगे 14.0.6.0 का एक नया अपडेट देखने को मिला और यहाँ पर पोको X3 GT के लिए भी 14.0.4.0 का अपडेट जो है वो ग्लोबल में यहाँ पर देखने को मिला है।
और गाइस यहाँ पर रेडमी नोट 10 एस के लिए भी काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं। अभी आप देखोगे 14.0.5.0 का एक नया अपडेट जो वो देखने को यहाँ पर मिला है ईए में, और ये जो अपडेट है वो पार्शियल यूजर्स को देखने को मिला है, यानी कि जो टेस्टर्स वगैरह उनको मिला है, और ये जो अपडेट है वो रेडमी नोट 10 एस यूजर्स को मिला है। इंडिया में भी काफ़ी जल्द 14.0.5.0 का जो अपडेट है वो आपके रेडमी नोट 10 एस में देखने को मिलने वाला है। और गैस यहाँ पर MIUI 15 के काफ़ी सारे जो सिस्टम ऐप है उसके भी अपडेट्स देखने को मिले हैं। अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो। वॉलपेपर का एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पे दे दूंगा, डाउनलोड कर सकते हो। और यहीं पर सिक्योरिटी ऐप का भी एक लेटेस्ट अपडेट 8.1.5 का जो लेटेस्ट सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिला है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप गैलरी अपडेट को यूज़ करना चाहते हो भाई कर सकते हो। इसमें आप देखोगे वी इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एज वेल फिक्स सम बग्स, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो बग्स थे वो भी फिक्स किए गए हैं, और इसका जो सिस्टम UI है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। और यहाँ पर कैमरा APK का एक लेटेस्ट अपडेट जो वो देखने को मिला है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, 173 MB का अपडेट है। इसमें भी काफ़ी सारे नए फीचर्स मिलते हैं, अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हो भाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर रेडमी नोट 12 एस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकल कर इसका जो फर्स्ट लुक है वो यहाँ पर देखने को मिला। भी आप देख सकते हो फर्स्ट लुक ऑन हैंड ऑन, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर कैमरे की मैं बात करूँ तो कैमरे का सेटअप भी आप देख सकते हो, 108 MP का जो कैमरा है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि ग्रैंड कैम है, काफ़ी ज़बरदस्त। और यहाँ पर AI कैम का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो यहाँ से ये काफ़ी ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसका जो डिवाइस का लुक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और गाइस यहाँ पर अगर आप Xiaomi 11i हाइपर चार्ज यूज़ करते हो तो भाई इंडिया में आज की डेट में पब्लिक के लिए स्टेबल अपडेट जो वो रिलीज़ कर दिया है 14.0.4.0 है, जो कि 248 MB का यहाँ पर रिलीज़ किया गया। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके भी अपने Xiaomi 11i हाइपर चार्ज दोनों ही डिवाइसेज में यूज़ कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर MIUI 14 के जो सिस्टम ऐप के अपडेट है वो काफ़ी सारे डिवाइसेज में देखने को मिले हैं, तो रेडमी नोट 10 और रेडमी नोट 10 एस के अंदर भी यहाँ पर कुछ अपडेट्स मिले हैं, जिसमें एप्स वर्ल्ड का एक लेटेस्ट अपडेट मिलता है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट का एक न्यू अपडेट जो वो देखने को मिला है, इसमें काफ़ी सारे बग्स दैन स्टेबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। और यहाँ पर देखोगे पर्सनल सेफ्टी का भी एक न्यू अपडेट जो वो रिलीज़ यहाँ पर किया गया है, ये भी स्टेबल अपडेट है। और गूगल डायलर का भी एक लेटेस्ट अपडेट मिला है, इसमें काफ़ी सारे जो बग्स हैं वो फिक्स किए हैं और इसकी स्टेबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। ये सारे अपडेट जो वो रेडमी नोट 10 और रेडमी नोट 10 एस के लिए रिलीज किए हैं डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर रेडमी नोट 11 और प्रो में भी काफ़ी सारे अपडेट्स मिले, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे पर्सनल सेफ्टी का भी न्यू अपडेट जो वो देखने को यहाँ पर मिला है, और यहाँ पर गूगल सर्विसेज में जो AR का सिस्टम है उसका भी एक लेटेस्ट अपडेट आया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव किया है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। मैसेज बीटा का एक न्यू अपडेट मिलता है, कॉन्टैक्ट का भी एक न्यू अपडेट यहाँ पर रिलीज किया गया। और यहाँ पर आप देखोगे आपको एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का भी एक लेटेस्ट अपडेट जो वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि स्टेबल अपडेट है। तो काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर कंटिन्यू रिलीज़ किए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आगे भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलता हूँ स्टूडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एस सी यू इन द नेक्स्ट वन।